हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सी कैबिनेट्री। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहती हूँ, आपकी राय लेना चाहती हूँ कि मैं नेट के हिसाब से हम आपको सिलेबस कवर करवाएं या फिर आपके जो एमएससी का जो जनरल सिलेबस है, लाइक सपोज हम टॉपोलॉजी की बात करें, क्योंकि मुझे जो ज़्यादा मैसेजेस मिले हैं वो ये मिले हैं कि टॉपोलॉजी का सिलेबस कवर करवाइए या फिर नेट के क्वेश्चंस करवाइए। तो जितने ज़्यादा मुझे इस वीडियो पर कमेंट मिलेंगे कि हम नेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, नेट गेट वट एवर द हायर लेवल एग्जाम्स आर CUCET, क्योंकि उनकी सबकी डेट्स आ चुकी हैं, या फिर आप जस्ट एमएससी के लिए कोई एक सब्जेक्ट सपोज टॉपोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों के लिए ही राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर आपको जिस भी टॉपिक के लिए ज़्यादा आप एनएक्साइसेस हैं, ज़्यादा क्यूरियस हैं, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आएंगे, हम उसी तरीके से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टैक्सी कैबिनेट्री। टैक्सी कैबिनेट्रिक इज अ काइंड ऑफ फैंसी मेट्रिक जो कि रेगुलर मेट्रिक से थोड़ी डिफरेंस होती है। तो अगर मैं आपको इसको स्टार्ट करवाऊँ, तो सपोज दिस इज आवर प्लेन एंड दीज आर टू पॉइंट्स, से दिस इज माय पी, आई विल कोऑर्डिनेट x1 x2 एंड दिस इज सपोज द पॉइंट क्यू, आई विल कोऑर्डिनेट y1 y2। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन दिस पी एंड क्यू। तो अगर हम रेगुलर मेट्रिक में हैं, सपोज अगर हम R2 में हैं, तो आप इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे x2 माइनस x1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये दोनों पार्ट मैंने P में लिए हैं, तो यहाँ पे हम x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका यूक्लिडियन मेट्रिक हो जाएगा। लेकिन जब हम टैक्सी कैब मेट्रिक की बात करते हैं, तो डिस्टेंस आपका रहेगा यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली द नेम गिवन इज टैक्सी कैब मेट्रिक, कि अगर आप कैब करते हैं P से लेकर Q तक में जाने में, कोई टैक्सी कैब करते हैं और अगर वो सपोज किसी गलियों में घुमा के ले जाता है आपको P से लेकर Q तक, तो आपको वो सारा पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग, देर इज अनदर मेट्रिक दैट इज नोन स्टेयर केस मेट्रिक। तो उसमें अगर ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, सपोज दिस आर P एंड Q, और अगर आपको टैक्सी इस तरीके से लेके गई है लाइक दिस, तो एक तरीके से स्टेयर केस है, जैसे सीढ़ियाँ रहती हैं, तो इसको स्टेयर केस मेट्रिक कहते हैं। तो इसमें हमको जो डिस्टेंस निकालते हैं वो यहाँ से यहाँ तक का सम प्लस यहाँ से यहाँ तक का सम रहता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टैक्सी कैब मेट्रिक, कि आपको एक टैक्सी के जो रूट है उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। तो सपोज अगर मैं इसको डिफाइन करूँ यहाँ से P से Q तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रहेगा आपका बिटवीन P एंड Q इज द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो अगर आप यहाँ पे देख पाए, सो आपका अगर आप DXY डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे x अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया है सपोज x1 और x2, एंड अगर हमने y पॉइंट ले लिया है y1 और y2, यहाँ पे मैंने xy लिखा है, यहाँ पे P और Q लिखा है, बोथ आर द सेम बिकॉज जस्ट इट्स अ नोटेशनल डिफरेंस। सो DXY विल बी डिफाइंड एज x1 माइनस y1 इन डिस्टेंसेस, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, प्लस x2 माइनस y2। ओके, सो दिस इज आवर टैक्सी कैब मेट्रिक। और अगर इसी को हम Rn में डिफाइन करें, जैसे कि मैंने बताया स्टेयर केस का हम ले लेते हैं, तो Rn में ये R2 है इन R2, और इसी को अगर हम Rn में डिफाइन करें टैक्सी कैब मेट्रिक को, तो ये बन जाएगा आपका वहाँ पर DXY। तो x और y जो होंगे वहाँ पे n tuples हो जाएंगे, तो x जो होगा आपका x1 x2 टू xn, और y हो जाएगा आपका y1 y2 टू yn, एंड देन dxi विल बी समेशन xi माइनस yi i वैल्यू फ्रॉम 1 अप टू n। सो दिस इज अ बेसिक फार्मूला फॉर टैक्सी कैब मैट्रिक। और ये मैट्रिक बना के बनाएगी या नहीं बनाएगी ये हम चेक कर सकते हैं इजीली। सपोज अगर हम इसी की बात करें, R2 की बात करें, तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मॉडुलस में है। इज इक्वल टू जीरो भी तभी होगा अगर दोनों x1 माइनस y1 क्वांटिटी जीरो हो जाए, x2 माइनस y2 क्वांटिटी जीरो हो जाए, दैट मीन्स x1 y1 के इक्वल और x2 y2 के इक्वल, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के सारे कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू y हो जाएगा। सिमेट्रिक भी रहेगी क्योंकि आप x माइनस y लिखे या y माइनस x लिखे, इट विल मेक नो डिफरेंस, तो सिमेट्रिक भी रहेगा। और ट्रायंगुलर इक्वालिटी के लिए अगेन आप DXZ कर लेंगे, तो बीच में एक y पॉइंट इंसर्ट कर देंगे, देन रियल नंबर्स की ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करके आपकी वो प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। सो आप इजीली चेक कर सकते हैं पेपर पेन लेके कि ये एक आपकी मैट्रिक बनाती है। ओके,
सो दिस इज कॉल्ड आवर टैक्सीकैब मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक मैं बताती हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी मैट्रिक्स। और ये दोनों को कंपेयर करना एक बहुत ही इजीली हम देख सकते हैं कि कैसे कर सकेंगे। अनदर मैट्रिक टी इन्फिनिटी मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने बताया आपको। सो अगर आप डी इन्फिनिटी एक्स और वाई कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही मेंबर आर टू के हैं, तो आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। दैट मीन्स अगर हम आर टू की बात करें, तो आपके पास अगर ये दो पॉइंट है, जैसे हमने पिछला डायग्राम ड्रॉ किया बिल्कुल उसी तरीके से, इफ दिस इज योर एक्स वन एक्स टू, दिस इज योर वाई वन वाई टू, सो आपको अगेन ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और इनमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगी दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी मैट्रिक्स। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू कैलकुलेट टैक्सी कैब डिस्टेंस, से टैक्सी कैब डिस्टेंस बिटवीन से 1-2 एंड 5-7, ओके, ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए, तो हमको इसमें टैक्सी कैब डिस्टेंस भी निकालना है एंड डी इन्फिनिटी। सपोज इसका नाम हमने एक्स रख लिया और इसका नाम हमने वाई रख लिया, डी इन्फिनिटी भी निकालना है आपको एक्स एंड वाई। सो हम एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी। तो सपोज इसी डायग्राम में अगर मैं इन पॉइंट्स की पोजिशन मार्क कर दूँ, 1 एंड 2, सपोज दिस इज माई 1 एंड दिस इज माई द पॉइंट 5 एंड दिस इज माई पॉइंट 2 एंड दिस इज माई पॉइंट 7, ये हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। तो अगर आपको टैक्सी कैब डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमने क्या बताया था आपको कि इस लेंथ का सम, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 1-5 इन मॉडुलस प्लस ये वाली लेंथ, इसका सम 2-7 इन मॉडुलस, दैट विल बी 4+5 एंड दैट विल बी 9। सो ये आपका टैक्सी कैब डिस्टेंस होगा। और यहीं पे अगर हम डी इन्फिनिटी की बात करें, तो दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ दिस थिंग 1-5 एंड 2-7, सो दैट विल बी 5। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन टैक्सी कैब मैट्रिक एंड इन्फिनिटी मैट्रिक, एंड दे बोथ ऑफ देम फॉर्म मैट्रिसेस, ये आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए और मेरे चैनल लैब्स मेथड्स को सब्सक्राइब कीजिए।